अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर मिड टर्म सिलेबस ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स. ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर पेरिफेरल. अब यहाँ पर आपके यहाँ पर जैसे इंडेक्स में ये दो चैप्टर दिख रहे होंगे आपको, कंप्यूटर पेरिफेरल और कंप्यूटर मेमोरी, ये दो अलग अलग चैप्टर्स. लेकिन सिलेबस में आपके ये दोनों कंबाइन है, ये दोनों मिलकर एक चैप्टर बनाया गया है, कंप्यूटर पेरिफेरल एंड कंप्यूटर मेमोरी. ये आपका होगा फर्स्ट चैप्टर, ये आपका बन जाएगा टाइटल पेज पूरा, ये चैप्टर वन कर कर बनेगा कंप्यूटर पेरिफेरल एंड कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सो हम इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे. पहले हम कंप्यूटर पेरिफेरल को कवर करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, देन इसकी एक्सरसाइज, फिर हम कंप्यूटर मेमोरी को वाला टॉपिक कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज. वर्किंग प्रोसेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ब्रीफली पूछ सकते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर पेरिफेरल. कंप्यूटर तो ठीक है, सबको पता है कंप्यूटर क्या क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं. पेरिफेरल क्या होता है ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. यहाँ पर पेरिफेरल की शॉर्टली डेफिनेशन दी गई है, द पेरिफेरल डिवाइसेस आर द डिफरेंट डिवाइसेस अटैच आउटसाइड द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पेरिफेरल डिवाइस है, ये वो डिवाइस होती है जब कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जब साथ अटैच होकर, साथ कंबाइन होकर वर्किंग प्रोसेस करते हैं, तो तब जाकर आपका बनता है पेरिफेरल डिवाइसेस. तब हम कहेंगे इसको कंप्यूटर पेरिफेरल, जब आपके सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस साथ अटैच होकर वर्क करें. ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाया गया है कंप्यूटर पेरिफेरल ये तब बनेगा जब आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस साथ वर्क करेंगे. जाहिर सी बात है स्टोरेज डिवाइसेस भी इनपुट डिवाइसेस के कंप्यूटर का पार्ट है, हार्डवेयर लाइक. तो ये जब साथ अटैच्ड होंगे, साथ वर्क करेंगे, देन आपका ये कहलाएगा कंप्यूटर पेरिफेरल. अब यहाँ पर पहले इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक लिया गया है, आप लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम. इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस में हेल्प करे, यानी आपके डेटा पुट करने में और आपका सारा जो भी आपका डेटा है या जो भी जस्ट लाइक एप्लीकेशन या इमेजेस या कुछ भी आपके लेटर एप्लीकेशन, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जो आप डेटा पुट कर रहे होते हो, जिसके ज़रिए आप डेटा पुट कर रहे होते हो, वो पार्ट्स आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस. जस्ट लाइक यहाँ पर एग्जांपल दे दी गई है कीबोर्ड, कीबोर्ड के ज़रिए आप टाइपिंग करते हो, टाइपिंग तो आप क्या कहते हैं बाहर से कीबोर्ड के ज़रिए कर रहे हो, लेकिन उसका सारा डेटा जो कहाँ से इनपुट हो रहा है कीबोर्ड के ज़रिए, वो सीपीयू तक पहुंच रहा है. तो ये सारा प्रोसेस सीपीयू में होता है, और जो सारे प्रोसेस इनपुट हम उन्हें कहते हैं कि डेटा इन करना, तो वो इन आप कौन से डिवाइसेस से कर रहे हैं, वो वाले डिवाइसेस कहलाएंगे आपके इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड के ज़रिए आप अपना डेटा इन करते हो, माउस के ज़रिए आप अपना डेटा इन करते हो, क्लिकिंग करते हैं, कोई डायग्राम बनानी होती है पॉइंटर के ज़रिए, पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए, तो ये माउस यूज़ होता है, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, डिजिटल कैमरा, ये सब आपके क्या कहलाए, ये आपके इनपुट डिवाइसेस कहलाए. अब यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की एक एग्जांपल दे दी गई है ऑप्टिकल रीडर. अब ऑप्टिकल रीडर में क्या बोल रहे हैं, ये वो डिवाइस है जिसमें ये यूज़ होती है लाइट सोर्स, इसमें लाइट रेज होती हैं, जो वो रेज क्या काम करती हैं, रीड करती हैं करेक्टर्स को, जो अभी लिखा हुआ होता है उसको रीड करती हैं, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो किसी कोड लैंग्वेज में हो, उन सबको अपने अंदर कैच करती है लाइट और कन्वर्ट करती है डिजिटल डेटा में, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर वर्क कर सके, प्रोसेस कर सके. ओके,